हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुजाता किचन लाइफस्टाइल में। और आज है 11, मम्मी माँ सब्जी लेके आ गई थी तो हमने बनाया नहीं, तो रेसिपी शेयर नहीं कर, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो देखना जरूर और बताना कैसा बना है। तो मैं बनाऊंगी आज कढ़ाई पनीर। ये प्याज काटा है, ये तो फोरन उसमें डालोगे, छोंक नहीं छोंक कह रही, उसमें मसाला बनाना स्टार्ट करो। उसमें ये शिमला मिर्च और ये इसमें रख रखा, तो गैस हमने डाल दी थी। वो क्या करते हैं उसे कढ़ाई चला के उन्हें गर्म करने के लिए प्याज को मतलब तेल गर्म होने डाल दिया था, फिर थोड़ा सा गोल्डन होने तक, मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक ये क्या कहते हैं उसे प्याज को भुना था। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च भुना, उसके बाद और फिर शिमला मिर्च भून के भी मतलब प्याज भी निकाल लिया था भून के, शिमला मिर्च भी ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर दिया था, फिर मैंने इसे भी निकाल दिया था। इसके बाद मैंने डाले थे क्या मतलब फिर मैं सब्जी बनाना स्टार्ट, और जब वो मैंने सारी चीज़ भून के निकाल लिया था तब ये है खड़े मसाले जो मैंने डाली थी उसमें छौंक लगाने में मतलब तड़का लगाने में सब्जी के, तड़का कहते हैं क्या कहते हैं उसे, जब मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट तो सारे तेल गर्म ही था तो मैंने उसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा चटक गया था तो फिर मैंने इसमें डाले थे प्याज, और प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था इस टाइप से तो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें आधी प्याज भी थी तो मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था इसमें। फिर मैंने जब ये थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये लाल लाल तो हो गया तो ये है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला और हल्दी पाउडर, बस मसाले में मैंने इतना ही डाला था इस सब्ज़ी में और कुछ नहीं डाला था ऊपर से। ये सारे मसाले और ये सारे मसाले मैंने पहले डाल दिया था, फिर इसमें डाला था थोड़ा ऐड करा था थोड़ा सा पानी, पानी डाल के मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने का थोड़ी देर तक भुना था। उसमें जब ये अच्छे से वो छूट गए थे तेल कढ़ाई से निकलने लगे थे मतलब मसाले से, तब मैंने इसमें डाला था। और फिर मैं ना लास्ट में टमाटर डालना भूल गया, फिर मैं ज़्यादा टमाटर डाल के इसको चलाया था थोड़ी देर तक के लिए, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और फिर इसमें डाला था मैंने सारे जो मैंने फ्राई करके रखे थे मिर्च प्याज वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के फिर से इसे मतलब मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था इसमें भून के। और जब ये अच्छी तरीके से भून गया था तो इसमें डाला था मैंने खोआ, और इसमें मैंने डाल दिया था खोआ डालने मतलब खोआ डालने वाली ना वीडियो में जैसे ना क्लिप न जाने कैसे बट हो गया था क्या कहते हैं डिलीट हो गया था। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से फिर ये मसाले ये भी अच्छे तरीके से भुन गए थे, फिर मैंने डाला था इसमें, और जब सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे तो इसमें डाल दिया था मैंने पनीर। और पनीर डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए भुना था, पर मैं ढकी नहीं दी क्योंकि ढकने के बाद ना थोड़ा सा और नमक में नमक वाला भी क्लिप मेरे से डिलीट हो गया, तो आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। बट हमने डाला था 1.5 चम्मच के करीब, 250 ग्राम आधी किलो पनीर में 1.5 चम्मच के करीब वो था सा मतलब, और 4 या 5 थे ये शिमला मिर्च, 4 प्याज थे और अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में वो सब डाला था इसमें जब ये अच्छे। और फिर गाइस हमारी सब्जी हो गई बनके तैयार, तो हम अपने गैस को करते हैं अब बंद और आपको सर्व करके दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी सब्जी। तो गाइस ये तैयार हो गई हमारी कढ़ाई पनीर, बस इसमें मसाले मैंने कम डाले थे और थोड़ा सा ग्रेवी ऐसे मतलब सूखी सी रखी थी क्योंकि हमारे मंडोई जी को ऐसी सब्जी अच्छी लगती है इस वजह से। हे गाइस, मैंने आप लोगों के साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करी और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में करवा चौथ के व्लॉग में। तो मैं अभी खाना पीना खा चुकी हूँ, अब आई हूँ मैं सोने लेटने, और लेटने के बाद थोड़ी देर बाद जाऊँगी मेहंदी लगवाने, और मेहंदी लगवा के आऊँगी तो फिर वही खाना होना, तो खाना मेहंदी लगवा के आऊँगी तो खाना पीना हो, तो हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरा मतलब